हाँ, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में और देश में संसद और सदन की धीरे धीरे गरिमा भी गिर रही है और विधायकों के अधिकारों का हनन भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में सिर्फ 32 दिन विधानसभा चली है। ये एहसास कराता है इस बात का कि विधायकों का जो सदन का अधिकार है, ताकत है, उसको सरकार किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती। और खासकर शिवराज जी ने जब से लूट की सरकार बनाई है, वो ये एहसास कराने में लगे हैं कि विधायक एक तरह से अधिकार विहीन हो गया है। आप देखो, ये सरकार नहीं चल रही है, सर्कस चल रहा है। एक मंत्री है गोविंद राजपूत जी, जो हमने मीडिया डोमेन में पढ़ा कि उनने 51 करोड़ रुपए का दान ले लिया। ये देश के इतिहास में पहला केस होगा जिसको 50 करोड़ से ऊपर की जमीन दान में मिली हो, और दी किसने? उनके साले ने। साले के पास कितनी जमीन थी? साले जब शादी हुई, जब से लेके ये मंत्री बने, तभी दान मिला। ये एहसास कराता है कि शिवराज सिंह जी ने लूट की छूट दे दी है मंत्रियों को। एक मंत्री है धार में, एक वीडियो वायरल हुआ, हम सब ने देखा, एक महिला ने आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया, और जिस भाषा का उपयोग किया वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है, पर जिस रिसोर्ट में वो घटना घटी वो रिसोर्ट में तोड़फोड़ कर दी। क्या ये सरकार चल रही है कि तानाशाही चल रही है? कृषि विश्वविद्यालय में बीजेपी के अध्यक्ष के ससुर को कुलपति बना दिया। ये भाई भतीजावाद पर विरोध करने वाले रोज मुख्यमंत्री वीडियो विजुअल देते हैं, तब इनको नहीं समझ में आया कि ये भाई भतीजावाद है या परिवारवाद है या आम जनता के साथ न्याय है? जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां होती है तो एक शिक्षा मंत्री है, उच्च शिक्षा मंत्री, उनके 3 रिश्तेदार लग जाते हैं, उनके भतीजी लग जाती है, विधानसभा अध्यक्ष की बेटी लग जाती है। आखिर मुख्यमंत्री जी, आप क्या चाहते हो? इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हो? आपने ये आज तक नहीं बताया। अब एक मंडी बोर्ड में समर बहादुर सिंह शिक्षा विभाग के, उस शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, उनको मंडी बोर्ड में बना दिया। क्यों? किसी को उपकृत किया गया? मतलब हर तरीके की लूट और उसकी छूट। एक बिजली का बिल 2 महीने नहीं भरे, कनेक्शन कट जाता है। सामाजिक अपमान होता है किसी भी विद्युत कर उपभोक्ता का। पर हमारे विद्युत मंत्री के भाई का 1.5 करोड़ रुपए का क्रेशर का बिल आ गया, पर शिवराज सिंह जी मौन है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।